हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सैफ्रन नाइट क्रीम घर पर ही कैसे रेडी कर सकते हो। इससे आपके फेस पे ज़बरदस्त शाइन आएगी। ये क्रीम किसी भी मैजिक से कम नहीं होने वाली है, विद नो केमिकल्स एट ऑल। ये सैफ्रन नाइट क्रीम आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करके आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाएगी। और अगर आपके फेस पर स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सन टैन या फिर हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करके स्किन टोन को इवन बनाएगी, एक्ने और पिंपल को क्योर करेगी, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाएगी। सारे ही स्किन टाइप के लोग और सारे ही एज ग्रुप के लोग इस नाइट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करा है। और कोई भी आपको मार्केट से नाइट क्रीम खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे बनाना है एंड यूज़ करना है और आप खुद ही विजिबल डिफरेंस देखोगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस बात का वेट करें, फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो डे का स्किन केयर तो फॉलो कर लेते हैं बट रात का स्किन केयर वो स्किप कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो हमारा रात का स्किन केयर होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसलिए हमें रात का स्किन केयर हमेशा फॉलो करना चाहिए। इससे अगर आप रात को अच्छी नाइट क्रीम लगाते हो तो ओवरनाइट आपकी स्किन को वो रिपेयर करने का काम करती है। आजकल रिंकल, फाइन लाइन, प्री मेच्योर एजिंग, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन इतने ज़्यादा कॉमन हो गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने नाइट स्किन केयर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो आज ही से अपने नाइट स्किन केयर को फॉलो करना स्टार्ट कर लो। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें इस नाइट क्रीम को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट का आज हम यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या इनके बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा केसर। अब आपको लग रहा होगा कि केसर कितना ज़्यादा महंगा आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी किराने की दुकान में जाकर केसर आराम से आपको मिल जाएगा 20 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैंड की ज़रूरत ही पड़ने वाली है केसर की। और केसर हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि केसर में होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमारी स्किन को लाइट एंड वाइटन एंड ब्राइटन बनाता है। ये हमारी स्किन में किसी भी टाइप के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन को कम्प्लीटली रिमूव करता है, इवन करता है हमारी स्किन को, और हमारी स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर, जिसे हम गुलाब जल भी बोलते हैं। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही साथ ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करने का काम करता है, हमारे पोर्स को टाइटन अप करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्लो डाउन कर देता है मल्टीपल साइंस ऑफ एजिंग को। इसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरीन, ये हमारे स्किन टोन को इवन आउट करती है, हमारे रिंकल और फाइन लाइन को दूर करती है, हमारी ड्राई फ्लेकी स्किन को मॉइस्चराइज करके उसे सॉफ्ट एंड सपल बनाती है। इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल तो हम सबके घर में आराम से मिल ही जाएगा। इसमें होती है कूलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज़, ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है यूवी रेज की वजह से तो उसे भी रिपेयर करने का काम करता है। लाइट एंड ब्लेमिशेज ऑन फेस, रिड्यूसेज इन्फेक्शन एंड एक्ने। लास्टली हमें चाहिए विटामिन ई। सो ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएगा और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है और हमारे जो साइंस ऑफ एजिंग होता है लाइक रिंकल एंड फाइन लाइन उसे भी रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड, ड्राई, पैची है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा क्लीन बाउल, उसके बाद यहाँ पर हमें ऐड ऑन कर देना है केसर यानी सैफ्रन, और यहाँ पर हमें सैफ्रन के कुछ 10 से 12 स्ट्रैंड्स ही चाहिए होंगे। इसके बाद हमें 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर को ऐड कर देना है और इन दोनों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और 10-15 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है, सो दैट केसर की जो भी गुडनेस होगी वो सारी की सारी रोज़ वाटर में आ जाएगी। और 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि रोज़ वाटर में कितना प्यारा केसर का गोल्डन कलर आ गया है। आपके पास जो भी ग्लिसरीन घर पर पड़ी है आप उसका यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर हमें 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन को ऐड कर देना है। इसके बाद आपके पास जो भी एलोवेरा है किसी भी ब्रांड का हो, कोई भी चलेगा, उसको आपको ऐड कर देना है यहाँ पर 2 टेबलस्पून। एंड लास्टली हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 विटामिन ई की कैप्सूल, या फिर आप विटामिन ई का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करा है। उसके बाद आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हो कि इसकी कितनी अच्छी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन के रेडी हो गई है। ये जो नाइट क्रीम हमने अभी प्रिपेयर करी है तो ये आपकी आराम से हफ्ता 10 दिन चल जाएगी, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होने वाली है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हो अपने फ्रिज में। अब हम जान लेते हैं कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है।
आपको इस नाइट क्रीम को अपने क्लीन फेस पर यूज़ कर लेना है। फेस वॉश को आपको पहले यूज़ कर लेना है इसको अप्लाई करने से पहले, उसके बाद आपको डॉट डॉट करके इसे अपने पूरे फेस पर लगा लेना है, सो दैट अच्छे से ये आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। इसको आपको रेगुलरली यूज़ करना है और आप देखोगे कि आपको अपने फेस पर विजिबली डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसको आपको रेगुलरली यूज़ करना है और आप विजिबल डिफरेंस देखोगे अपनी स्किन में। जो भी आपके फेस में इम्परफेक्शन हो गई है, जैसे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, रिंकल, फाइन लाइन, एक्ने के निशान हो गए या फिर अनइवन स्किन हो गई, ये हर चीज़ पर डायरेक्टली वर्क करने वाला है। इस नाइट क्रीम को बनाने के बाद आपको किसी भी बाहर से नाइट क्रीम खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए आप जल्दी जल्दी से जाकर इसको बनाओ और जो भी जैसा भी आपका रिजल्ट रहता है उसको आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में। आई लव टू रीड दोज कमेंट्स। सो दैट कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये नाइट क्रीम हेल्पफुल रही होगी। रही है तो आपको पता आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलो अब मैं आपसे मिलती हूं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।